गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे चैनल ब्लॉग विद एम में। तो जैसा कि सबको पता है अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो वेडिंग सीजन में वेडिंग होती है, तो ऑब्वियसली नेचुरल से बात है वेडिंग सीजन में वेडिंग ही होगी। तो बस आज हम लोग भी जा रहे हैं एक शादी में। वैसे तो 2 से 3 शादी अटेंड कर चुके, लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसा होता ना कि वीडियो नहीं बन पाता, कि कुछ ऐसी वो हो जाती है। तो आज फिर से जा रहे हैं मतलब एक शादी में। तो मैं देखो आपको यहाँ की आज क्या एक मतलब एक कौन सी वाली, एक तो जैसे मैं आपको बाद में बताऊंगी, वहीं जाके पूरी डिटेल्स बताऊंगी, क्योंकि अभी बैक कैमरा है ना, रचित मेरे को इतना हजार है। वैसे तो शादियों में क्या होता है, मुझे साड़ी पहन के जाना पसंद है, लेकिन कि सूट वगैरह, हाँ ठीक है, क्योंकि क्या सूट वगैरह इतने हैं नहीं, तो आज मैंने साड़ी नहीं पहनी। मैंने सोचा सूट, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी एक सूट वेयर किया है, तो मैंने सोचा कि हम लोग, देखो पीछे कांच में भी मैं दिख रही हूँ, तो मेरी फ्रेंड ने भी साड़ी वेयर की है, तो सूट वेयर किया है, तो फिर हम दोनों ने मतलब सोचा कि अब क्यों ना सूट ही पहन के चलते हैं। तो ये रहे मेरे फुटवेयर मैचिंग के बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं वेडिंग, जहाँ पे वेडिंग थी वहाँ पे, और ये रहे ब्राइड और ग्रूम। दोनों बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहे थे, बहुत क्यूट कपल लग रहा था दोनों का। और यहाँ पे बस इनकी फ़ोटोग्राफी वगैरह चल रही थी, फिर हम लोग भी जो इनके लिए एनवेलप वगैरह जो लेके आए थे वो इन लोगों को दिए, और बस फिर ना मतलब फिर वापस हम लोग जो जहाँ पे डिनर था हम लोग वहाँ चले गए थे। और यहाँ पे जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पे हम लोग आ गए, बस अब डिनर करेंगे और फिर उसके बाद में जाएंगे घर। गुड वाली मॉर्निंग गाइस। तो क्या हुआ रात को, हम गुड वाली मॉर्निंग गाइस, और अभी बज रहे सुबह के 8:30 के समथिंग। और जैसा कि कल हम लोग शादी में गए थे ना, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, और बस इसी में मतलब जुकाम वगैरह, पता नहीं क्या, आजकल तो मैं इतनी नाजुक हो गई हूँ कि मुझे इतनी जल्दी मतलब वेदर इफेक्ट बहुत जल्दी करने लग गया। आई थिंक मेरी इम्यूनिटी थोड़ी क्या है, थोड़ी वो हो गई, वीक हो गई, तो इसीलिए। और अभी बस अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, और यहाँ पे बनने वाली है सिवैया, मतलब अभी इन दिनों तो क्या हो रहा है कि नाश्ते में हमारे मोस्ट ऑफ सिवैया ही बन रही है, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बस जब मीठा मीठा। मैं तो मीठा नहीं खाती, लेकिन जो बच्चे हैं उनको तो चाहिए ही मीठा, तो मैं बस फटाफट अभी बना लेती हूँ सिवैया, और बस एक ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, एक बॉल भर के बनाऊँगी कि बस बच्चे खा लें। दैट्स, ये हो गई है रेडी सिवैया। तो ये चल रहा हमारा लंच का टाइम, और लंच में आज बन रही है गार्लिक ब्रेड, जो कि हम लास्ट नाइट ही शादी में गए थे तो वहाँ खा के आए थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से सोचा कि एक बार मतलब बना लेते हैं। मैं नहीं बना रही, गुनगुन बना रही है। तो यहाँ पे इसने गार्लिक का पेस्ट मतलब उसको घी में फ्राई करके, और इसने क्या क्या डाला है, कोरिएंडर लीव्स डाली है, बटर डाला है, और आई थिंक इसने इसमें थोड़ा सा चीज़ भी डाला है। यहाँ पे भी इसने ना वो जो पिज़्ज़ा चीज़ होती है ना, मोज़रेला वो वाली, वो ग्राइंड करके रख रखी है। और हेयर इज ब्रेड, और ये देखो इसने क्या मंगाया है, पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस बनता है, तो फिर पूरा विधि विधान से ही बनता है, हमारे कुछ भी बनता है जो भी। ये क्या है, ओरिगैनो, ये स्प्रिंकर्स जो होते हैं ना वो हैं, और अब बनने के बाद ही बताऊँगी रेसिपी। तो क्या शेयर करूँ मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आधी से ज़्यादा मतलब हो गई है, आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन हो गई है, खाने के बाद ही पता चलेगा कैसा क्या बनता है। तो देखो ये गार्लिक ब्रेड बनके रेडी हो गई है, मैं दिखा देती हूँ। अभी थोड़ी ठंडी हो गई क्या, मैं कुछ वीडियो एडिट कर रही थी तो उसी में, लेकिन देखो वो खींच नहीं रहा, वो चीज़ थी ना वो, कोई बात नहीं, लेकिन देखो कितनी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, दिखने में तो बड़ी यमी यमी लग रही है, खाने के बाद ही पता चलेगा। देखो ये वाली साड़ी मैंने दी थी रोल पॉलिश के लिए, और कितनी फिनिश होके आई, एकदम बिल्कुल न्यू हो गई है। अब पता नहीं कौन सा फंक्शन आएगा जब मैं ये पहनूंगी। तो गाइस आज हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं, हम लोग इसको बोलते हैं कैरी की छाछ, और कहीं कहीं इसको कैरी का पना भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये लूज से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन करता है हम लोगों का, तो इसलिए गर्मियों में इसको मतलब बना के पी लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया, कैरी जो होती है ना कच्ची कैरी, उसको है ना बॉईल कर लिया, इस वजह से तो है ना वो जो कंडे होते हैं ना उनमें रखे उनमें सेकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे है ना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको पानी में बॉईल किया। और ये देखो इसको सारा जो इसका बीच का जो इसका गुद्दा होता है ना वो उसको निकाल लेते हैं, और फिर बस इसको अच्छे से ऐसे हाथों से अपने हाथों से मैश कर करके सारा का सारा निकाल के फिर उसमें थोड़े से मसाले वगैरह डालेंगे। चलो मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को, सबसे पहले तो मैं इसका
मैं सारा गुद्दा निकाल लेती हूँ। तो देखो अगर इसको मिक्सी में चलाना चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन मैं इसको छान लूँगी यहाँ पे। बस इसको स्पून की सहायता से पूरा ऐसे पानी पानी डाल डाल के थोड़ा सा मिक्स करके निकाल लेना। गाइस पानी तो रेडी हो गया है और यहाँ पे देखो ये पुदीने का पाउडर है और ये जीरे का पाउडर, काला नमक और ये है काली मिर्ची, इन सबको मिक्स करके इसमें डाल देंगे। और इसके अलावा क्या किसी किसी को जैसे चीनी भी पसंद होती है, मतलब शक्कर भी पसंद होती है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या सबको मीठा इतना पसंद नहीं है, मुझे तो खट्टा खट्टा ही पसंद है। बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें आइस डालेंगे थोड़ी सी, और वो जो आती है ना रायता बनाने का बूंदी वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये हो गया, और साथ के साथ वो सिंपल वाला नमक भी डाल दो, सेंधा नमक भी डाल दो अगर आपको नमक वो वाला पसंद है तो, मेरे को तो बस ऐसे ही पसंद है काले नमक से ही। चलिए रेडी है हमारा ये लू से बचाने वाला लिक्विड, तो ये हो गया है रेडी। अब इसमें आइस डाल दो या फिर इसको डायरेक्ट इसको फ्रिज में रख दो। चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग को करते हैं एंड, आप भी बनाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।